अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक्सल है, हमने इसको जो ना बढ़वाया था, ये आउट चल रहा है। अब हम इसको दूसरा वाला कुप्पा दिखाएंगे आपको। ये देखिएगा, ये पहले का बना हुआ है। ये गाड़ी में वाइब्रेशन आ रही थी, EFI इंजन डालते ना हम लोग, ये देखें कैसा हिल रहा है। ये गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आ रही थी, तो अब हम ये कटिंग करके इसको जो ना ये तैयार कर रहे हैं। अब कुप्पा दूसरा लेके एक्सल हीनर कहलाता है, क्योंकि EFI इंजन डालते ना इसमें एक्सल बढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग कुप्पे से बढ़ाते हैं। लोग जो है ना एक्सल की राड से बढ़ाते हैं, लेकिन वो फिर अल्लाह ना करे कभी एक्सल आवाज़ कर जाता ना, तो फिर दोबारा राड में जोड़ लगाओ। ये देखें, अब ये इसको कटिंग करके हम लोग इसको इससे बढ़ाएंगे। ये देखें दोस्तों, वे ग्राइंडर से काट के इसको राड जो है ना इसको बढ़ा देंगे आगे, एक्सल के कुप्पे में बढ़ाएंगे। लोग राड में बढ़ाते हैं, हम लोग कुप्पे में बढ़ाते हैं, हिनर में। बाकी दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें असगर भाई के चैनल को, ये वेल्डिंग हो रही है इसके ऊपर। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, इसको सीधा करके को क्लियर करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। पहले वाला था वो सील भी लीक हो रही थी उससे, और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आ रही थी। अब इंशाल्लाह वाइब्रेशन भी ख़त्म हो जाएगी और सील भी इंशाल्लाह ओके हो जाएगी। इस पर निशान आ रहा था, पहले वेल्डिंग कराया था, थोड़ा सा निशान आ गया था वेल्डिंग का, तो नज़र नहीं आया था। फिर वो आयल, गियर आयल लीक हो रहा था। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। इसमें राड का भी मसला होता है, राड एक नंबर लगाते हैं वेल्डिंग में, आप लोगों को पता है कि कौन कौन से राड इस्तेमाल होते हैं। अब इसको पूरी माल इसके ऊपर भर के फिर इसकी ग्राइंडिंग होगी। ये देखें, दो दो तीन तीन बार कट लगा के इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की वेल्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। फिर हम इसको लेद मशीन पे बांध के फिर इसको साइट से इसका माल उतारेंगे, ग्राइंड करेंगे इसको, उसके बाद इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। अब वो कंप्लीट हो चुका है, अब ये एक्सल वो तैयार कर लिया हमने।